मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 14 जनवरी को पूरा देश मकर संक्रांति मनाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस संक्रांति का क्या महत्व होता है, संक्रांति किधर जा रही है, संक्रांति की दृष्टि किस दिशा में है, किस वाहन पर संक्रांति सवार है, संक्रांति का वाहन क्या है और संक्रांति का उपवाहन क्या है, हाथ में कौन कौन से अस्त्र शस्त्र है और संक्रांति क्या भक्षण करेगी, इस संक्रांति का प्रभाव देश पर क्या पड़ेगा, राजनीति पर क्या असर होगा, व्यापार पर क्या असर पड़ेगा आदि सभी विषयों पर मैं आज आपको इस खास वीडियो के खास एपिसोड में पूरी जानकारी बताऊंगा। आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें। इसके बाद अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। आप इस साल सूर्य 14 जनवरी को सुबह 8:13 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि परिवर्तन को सूर्य की मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। मकर संक्रांति को तिल गुड़ रेवड़ियां आदि के दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करना और कई जगहों पर दिन में पतंगबाजी करने का भी यह त्योहार माना जाता है, या पतंगबाजी करके भी इस त्योहार को हंसी खुशी से मनाया जाता है। पिछले एक महीने से यानी 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मल मास महीना रहता है और इस मल मास महीने में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, लेकिन 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा तो इसी दिन से फिर से पुनः वापस शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं। पंचांग के अनुसार हर साल संक्रांति के आगमन के शुभ और अशुभ को देखा जाता है और उसी के अनुसार वर्ष भर कैसा बीतेगा इसी का अनुमान भी लगाया जाता है। और आज के वीडियो में मैंने भी पंचांग के अनुसार संक्रांति का विश्लेषण किया है। मेरा यह वीडियो जो लोग संक्रांति के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है और धार्मिक आस्थावान लोगों के लिए खास है। इस बार की संक्रांति पूर्व दिशा में जा रही है। संक्रांति की दृष्टि आग्नेय कोण की तरफ है। बहुकरण संक्रांति का वाहन सिंह है और उपवाहन गज है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में स्वर्ण पात्र है, अन्न का भक्षण कर रही है, कस्तूरी का लेपन किया हुआ है, देव जाति की है। पुनांग पुष्प और पिरोज भूषण धारण किए हुए हैं, विचित्र प्रकार की कंचुकी पहनी हुई है और बाल्यावस्था की उम्र है। इस संक्रांति के प्रभाव से इस साल में व्यापार पर काफी असर रहने वाला है। हर साल हम संक्रांति जब आती है तो संक्रांति का विश्लेषण करते समय सबसे पहले व्यापार को और देश की आर्थिक व्यवस्था को जरूर देखते हैं, तो इस साल भी सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साल की जो संक्रांति है जिसका वर्णन मैंने अभी आपको किया है, आपने फोटो में भी देखा है, तो व्यापार पर इसका क्या असर रहने वाला है। और अगर देखें तो काफी वस्तुएं इस साल में महंगी होगी और काफी वस्तुओं के भाव गिर जाएंगे। एक एक छोटी छोटी वस्तुओं का तो यहाँ पर नाम लेना गिनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापार होते हैं, बड़े नाम हैं, उनका मैं आज यहाँ थोड़ा जिक्र करूंगा। अब देखें कि क्या चीज महंगी होगी क्या चीज सस्ती होगी। तो अनाज आदि का भाव लगभग इस साल में एक जैसा रहेगा, लेकिन साबूदाना में तेजी आएगी। सफेद रंग की जो भी वस्तुएं हैं वह भी महंगी रहेगी। सुगंधी का पदार्थ है, चावल है, कंद मूल पदार्थ, सूत कपड़ा, कपास,
चांदी सोना आदि के भाव में काफी तेजी रहेगी और महंगे होंगे। वन जंगल माली आदि ये जो संपदा होती है यह सब खूब अच्छा रहने वाला है। भूमि भवन और मकान इन सब के जो भाव है वह बहुत महंगे रहेंगे। इस संक्रांति का असर पत्रकार कथावाचक और धर्मोपदेशक के लिए यह जो साल है संक्रांति के बाद का काफी अच्छा और उत्साहजनक और उत्साह बढ़ाने वाला लाभदायक बीतने वाला है। नक्षत्रदाम महोदरी और स्टोकिस्ट संग्रहशील संग्रहकर्ता लोभी प्रलोभी चौर्य कर्मशील यानी के चोरी के काम करने वाले चाहे वह चोरी धन की हो और या अन्य सरकार की संपत्तियों की हो या जो इस प्रकार के दूसरे काम करते हैं तस्कर होते हैं ठग होते हैं उनके लिए इस साल में संक्रांति शुभ रहेगी। उत्साह वर्धन का काम भी करेगी और देश में जो जितने भी बड़े बड़े स्टॉकिस्ट है उनको लाभ मिलेगा। जो संग्रह करना जानते हैं या संग्रह करके रखते हैं उनको लाभ मिलेगा। लोभी व्यक्ति को लाभ मिलेगा और जो गलत काम करते हैं या गलत काम करके पैसा कमाते हैं उनको भी यह साल बहुत शुभ बीतने वाला है। दिवा एक याम व्यापिनी गुप्तचर विभाग सुरक्षा विभाग सुरक्षा अधिकारी आरक्षी नायक सेनापति राष्ट्रीय विकास और जो प्रगतिशील विचारधारा के व्याख्याता है लेखक है शिक्षक है या इन कामों से जुड़े हुए जो लोग हैं ऐसे लोगों के लिए यह साल जो है विशेष कष्ट प्रदान करने वाला रहेगा। यानी कि इस साल में मेहनती ईमानदार और विचार जो प्रगति के विचारधारा के लोग होंगे उनके लिए यह समय थोड़ा कष्टकारी यह साल बीतने वाला है। साल के शुरू में किसी खास धर्म के लोगों को अपमानित करने की घटनाएं बढ़ेगी। साल के मध्य में बड़ा राजनीतिक उलटफेर की संभावना या ऐसा योग बनेगा तो साल के मध्य में किसी बड़े नेता अभिनेता का साथ भी हमसे छूटने का योग बन रहा है। होली दीपावली ईद त्योहार का रंग परवान उतना नहीं चढ़ेगा जितना यह त्योहार मशहूर होते हैं। सरकार और जनता में आपसी विश्वास की कमी बढ़ेगी संघर्ष भी बढ़ेगा। किसी खास मुद्दे पर सत्ता पक्ष को बदनामी का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष एकजुट और संगठित होकर हमलावर रहेगा। खेतीहर किसान मजदूर अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग के लोग जो ऐसे लोग हैं उनके लिए यह साल ज्यादा शुभ नहीं रहने वाला है। विशेषकर महिला वर्ग और मासूम बच्चों पर जो अत्याचार है ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। मिडिल वर्ग को महंगाई की मार से परेशानी बढ़ेगी। जीवन उपयोगी वस्तुओं के भाव में तेजी और बढ़ोतरी से जनजीवन प्रभावित होगा। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे जो घरेलू उपयोग की चीजें हैं और वह महंगी हो जाएगी तो हमारा जीवन और ज्यादा आसान जो रहता है वह मुश्किल बन जाएगा। अन्न है या जो पैकेट में पैक आटा होता है वह है वस्त्र है घरेलू उपयोगी सामान है छोटे मोटे जो भी टूथपेस्ट टूथब्रश साबुन ये लग्जरी आइटम पाउडर क्रीम ये सब बहुत महंगे होंगे। दूध दही छाछ घी डीजल पेट्रोल केरोसिन के भाव सर्वोत्तम ऊंचाई पर होने से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरी ओर जो धनवान लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो लग्जरी सामानों को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं जैसे कि टीवी है फ्रिज है एयर कंडीशन है आटा चक्की है या कोई स्कूटी दुपहिया वाहन बाइक वगैरह है फोर व्हीलर है कार है बस है ट्रैक्टर है मोबाइल है या मोबाइल का जो नेटवर्क आता है कंपनी वाले देते हैं यह सब इस साल में बहुत महंगे होने वाले हैं। बिजली के बिल और अन्य प्रकार के जो टैक्स है उसमें भी इस साल में बढ़ोतरी अप्रैल के बाद से आप देख सकेंगे। अब अगर बात करें सस्ते सामानों की तो सस्ते सामानों में बहुत कुछ सामान ऐसा है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं
यहाँ उन सारे सामानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, इतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ सामान के आपको नाम बता देता हूँ जो इस साल में थोड़ा सस्ते होने वाले हैं। जैसे कि चश्मा है, चश्मे की फ्रेम, चश्मे का कांच, रबड़ की चप्पल, पेन, लिखने वाला पेन कलम, और प्लास्टिक का जो बैनर बनता है, होर्डिंग बनता है, यह सस्ता होगा। फिल्म की जो रील है यह भी सस्ती होगी। वेल्डिंग करने की जो रॉड आती है वह सस्ती होगी। बिजली के वायर भी सस्ते होंगे। राखियां हैं, नकली जेवर है, दीवार घड़ी है, या फिर प्याज लहसुन जीरा चमड़े का व्यापार आदि है, तो प्याज लहसुन जीरा सस्ता होगा, और चमड़े का जो व्यापार है उसमें पूरे साल उतार चढ़ाव बना रहेगा। झाड़ू है, लोहे की सांकल है, मिट्टी से बने बर्तन, पर्दे का कपड़ा, गिफ्ट पैक करने वाला जो रंगीन पेपर आता है, यह सब सस्ते होने वाले हैं। इस साल में धातु से बने बर्तन, चाहे स्टील हो, पीतल हो, तांबा हो, इसकी बजाय लोगों का जो रुझान है वह मिट्टी से बने बर्तनों की तरफ ज्यादा रहेगा। संक्रांति ने जो भी अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं या वस्तुएं हाथ में धारण की, जैसे कि सोने का प्याला है संक्रांति के हाथ में, ये सभी चीजें सस्ती होने वाली है। यानी कि सोना महंगा होगा, लेकिन सोने से जो घड़ाई है या उसका जो रेट बढ़ जाता है कोई चीज बनवाने से, वह थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और संक्रांति की दृष्टि जो अग्नि कोण की तरफ है या अग्नि कोण की तरफ होने के कारण, इसका प्रभाव जनता में गुस्सा, असंतोष और उबाल रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये था इस साल 2021 में संक्रांति के बारे में जानकारी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने से सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा इसकी जानकारी दूंगा, और 10 जनवरी से 16 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।